ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो बोला है वो इतना कहा है कि अब चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए है और हम सब लोगों को सामूहिक संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इस दिशा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, चुनावों को कांग्रेस जीत सके इस काम को कारगर करने के लिए जो कुछ इस व्यक्ति को करना चाहिए उसमें नौजवान भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं और हम मिलकर इसको हासिल कर सकते हैं। आज जो दो दिन की चर्चा हो रही है, मुझे लग रहा है कि जो हमारे साथी डेलीगेट्स बातों को रख रहे हैं, चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तर पूर्व के हों, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस एक नए स्वरूप में जनता के सामने हम प्रस्तुत उसको कर सकें। इस दिशा में सब लोग करने के लिए तैयार हैं, एक कमिटमेंट है और इस शिविर से मुझे लगता है एक आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। चिंतन मंथन परिवर्तन की बात की जा रही है, किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित? जैसे मैंने कहा कि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इशूज पे उससे हमारा मैसेजिंग क्या है, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं उस पर गहन चर्चा हो रही है। कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में, मैसेजिंग में, युवाओं के लिए एससी एसटी ओबीसी जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर वो बिल्कुल स्पष्ट हो और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी, उसके बाद आप सबके हमने इसको प्रस्तुत करेंगे। अरे किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, तीन काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया, इतने लोगों का नुकसान हुआ, उन किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाइट बोला गया और उनके लिए किसी ने आज तक झूठा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको कोस के चले गए, लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, फिर दो साल बाद लोकसभा चुनाव हैं, उस सब पर हम लोगों का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। All of us want Rahul ji to assume the presidentship, but Mushkar Gandhi ji. What's your take on that? But the election is already going on. We'll have a new president by September. ये है Talks News Network और आप देख रहे हैं Politics, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।